Hey guys, welcome back to our channel. So I have created this amazing guest party makeup look. If you wanna know how I created it, so please watch this video completely. और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो please subscribe to our channel so you will never miss any updates without any further delay. Start करते हैं. So I have cleaned my face. मैंने अभी face wash किया है और थोड़ी थोड़ी eyes मेरी black सी हैं क्योंकि कल जो मैंने mascara लगाया था properly मैंने हटाया नहीं रात को. तो मैंने फेस वॉश कर लिया है और नेक्स्ट इज आई एम गोना अप्लाई मॉइस्चराइजर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा है आप लोगों को कि मेकअप स्टार्ट करने से पहले मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाएं अपने फेस पे अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. जो भी आप यूज़ करते हो आप वो लगाएं. अभी मुझे बाहर जाना है, मेरा और अंशु का मूवी देखने का प्लान है, सो आई एम गोना अप्लाई सनस्क्रीन एज वेल. अगर आप रात के फंक्शन पे जाए तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर डे के फंक्शन के लिए जा रहे हैं तो आई ऑलवेज सजेस्ट दैट अप्लाई सनस्क्रीन. और वैसे भी अब तो इतनी गर्मी और ह्यूमिडिटी है, यू रिक्वायर दैट. सो आई एम जस्ट अप्लाइंग सनस्क्रीन और उसके बाद हम इसको एक भी नहीं 30-40 सेकेंड थोड़ा सेट होने देंगे और उसके बाद हम मेकअप अपना स्टार्ट करेंगे. सो वट एवर द स्किन केयर यू डू आप वो ज़रूर फॉलो करें मेकअप करने से पहले. वो सबसे पहले मेकअप स्टार्ट करने से पहले दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई प्राइमर. जो मैं प्राइमर यहाँ यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ कलर बा परफेक्ट मैच प्राइमर. ये है सिलिकन बेस्ड क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है. तो आप चाहें तो अकॉर्डिंग टू यू आप जो भी प्राइमर चाहें आपके स्किन के अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हैं. सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई दिस प्राइमर ऑन माय टी जोन क्योंकि यही एरिया मेरा ज़्यादा ऑयली होता है. दिस वन और यहाँ पर थोड़ा आइस पे भी अप्लाई करते हैं. दैट इज़ इंपॉर्टेंट. बाकी फेस पे मैं इसको इतनी मुझे लगता नहीं है क्योंकि मेरे इतने पोर्स यहाँ नहीं है, यहाँ है ओपन पोर्स, तो ये उनको हेल्प कर देता है सेट करने में. नेक्स्ट आई एम गोना डू कंसीलर. सो पहला जो कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ एलेगल प्रो कंसील HD हाई डेफिनेशन. आई एम इन अ शेड प्योर बेज. तो जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ इस वीडियो में उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं. और साथ में जो मेरा शेड है वो भी मैं मेंशन कर दूँगी. आई एम गोना अप्लाई कंसीलर ऑन आईज ऑन नोज और यहाँ पर मेरे कुछ मार्क्स हैं चिक पे इस एरिया में और यहाँ पर. सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई. सो अब इस कंसीलर को ब्लेंड कर लेते हैं. सो ब्लेंडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट मेकअप में. आप मेकअप में ब्लेंड अगर आपका मेकअप प्रॉपरली ब्लेंड नहीं है तो ऑब्वियसली वो केकी लगेगा. तो जस्ट टू अवॉइड कि वो केकी ना लगे आपको प्रॉपरली इसको ब्लेंड करना है और ब्लेंड करने के बाद मेकअप को सेट करना है. सो दिस इज़ लाइक टू डिफरेंट थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनी मेकअप, ब्लेंडिंग एंड सेटिंग द मेकअप. अगर आपने ये प्रॉपरली कर लिया है तो आपका मेकअप केकी नहीं लगेगा. कंसीलर के बाद हम करते हैं स्टार्ट आई मेकअप से. सो आई एम गोना यूज़ हेयर वन ऑफ माई फेवरेट हुडा ब्यूटी पैलेट. सो इससे मैं आज एक स्मोकी ब्राउनिश काइंड ऑफ अ लुक क्रिएट करने वाली हूँ. सबसे पहले आई एम गोना टेक दिस ब्लेंडिंग ब्रश और आई एम गोइंग टू यूज़ दिस कलर सैंडलवुड हेयर. ये कलर मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ सैंडलवुड. आई एम गोना अप्लाई ऑन माई आईज. I'm gonna again taking this small blending brush and I'm gonna taking this color cocoa, this one here, just to in my outer eyelid. I'm gonna like blend it in circular motion. Then again I'm gonna take the same blending brush and I'm gonna take the shade black truffle here. And I'm gonna make kind of a, you know, liner, like जैसे आप liner लगाते हैं on my eyelid. So I'm just gonna taking this black color, I'm gonna apply on lid of my eyes. अभी मैंने लगा लिया है, अब मैं इसको
ब्लेंड कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ अ सेम ब्लेंडिंग ब्रश। एंड दैट्स इट। आई एम गोना डू द सेम थिंग ऑन माय अनदर आई। Now I'm gonna take the same sandalwood shade. I'm gonna apply on the bottom with the help of this brush. Just gonna take the sandalwood. I'm gonna apply on the bottom. Yeah, I'm taking this brush and I'm gonna use this shade Dubai here and gonna put that in between of my eyes. I'm gonna do highlighting my skin. So I am using here Swiss Beauty Drop and Liquid Highlighter. I'm just gonna apply on the cheeks here and here. Here, this one, nose pe thoda sa, aur yahan par. Yahan requirement nahi. That's it. So main isko blend kar lete hu. My fingers. मतलब यू कैन डू इट बाई ब्रश एज वेल बट मैं फिंगर से ही मुझे हाईलाइटर को थोड़ा ब्लेंड करना बेटर लगता है। आफ्टर दिस आई एम गोना यूज दिस फ्लावर ब्यूटी ब्लश बॉम ऑन माई चेक्स। टेक दिस लिटल बिट आई एम गोना अप्लाई इट ऑन एम्पल ऑफ माई चेक। And this is what I'm doing, that is before putting my base on. ये मैं हैंड से कर लेती हूँ, if you want आप इसे ब्रश से कर सकते हैं। Yeah. Next, I'm gonna use a foundation. So the foundation which I'm using, that is Super Stay Full Coverage Foundation from Maybelline, from the brand Maybelline. I'm in the shade Natural Beige. I'm gonna apply the gonna take a bit, yeah, this much, or isko with the help of blender. I'm gonna apply it on my face. Do not forget your neck, guys. जब भी आप makeup apply करें, क्योंकि कभी क्या होता है ना, I have seen many people जो कि face पे makeup apply कर लेते हैं, लेकिन उनकी neck का color और face का color बहुत different होता है, and look, it look really, really, really bad. तो it would be better जब भी आप makeup कर रहे हैं, अपनी neck को जरूर cover करें. Next, I'm using this NYXHD Studio Photogenic Photo Genius Studio Concealer Color Corrector. You can take. Apply here or here. This concealer I'm using as an highlighter. मेकअप करने के बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट योर मेकअप। सो जैसे कि मैंने बताया कि ब्लेंडिंग एंड सेटिंग अप योर मेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम गोना यूज दिस मेकअप रेवोल्यूशन बनाना पाउडर हेयर। इट्स अ बेकिंग पाउडर। आई एम जस्ट गोना टेक दिस बिट एंड आई एम गोना यूज दिस ब्रश गोना अप्लाई इट ऑन बिलो माय आईज। तो इसे अप्लाई करने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। आई एम यूजिंग दिस मोर्फी आई पेंसिल और आई एम सॉरी टू माई ब्रश।
सो ब्रोज के बाद मैं अपना पाउडर सेट कर लेती हूँ. इट्स डन. और अब मैं इन द मीन टाइम मैं ये मेरा बेस भी सेट हो गया है, जैसे कि मैंने बताया ब्लेंडिंग और सेटिंग द मेकअप. सो मेकअप मेरा सेट हो गया है, इसके बाद हम जस्ट गोना गो एंड अप्लाई लैशेस. सो लैशेस आर डन. इसके बाद यूज दिस मेबलिन फिट मी ब्लश. इट्स इन द शेड, आई नीड टू चेक दैट, इट्स इन द शेड रोज. सो आई एम टेकिंग दिस ब्रश एंड अप्लाइंग ब्लश ऑन माई चीक्स. और ऑन बिलो माई आईज आई नीड मस्कारा, Maybelline Lash Sensational Mascara. On this is done. I'm gonna use a highlighter. This is from the brand Sugar and it look like this. I'm gonna take this fan brush. I'm gonna apply a highlighter. Can you see the glow? So the next or last step is lipstick. Lip liner is done. Next, apply karte hain lipstick. So I'm using this NYX Professional Makeup Soft Matte Lip Cream in the shade San Francisco. Oh, here it is. So this is the glam party look which I have created. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. एंड ऑल्सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, सो यू विल नेवर मिस एनी अपडेट. वेन एवर आई अपलोड अ वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन. करेंटली साइनिंग आउट. बाय बाय.